हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी संचयन बुक का चैप्टर नंबर 1 हरिहर काका। इसके पहले के दो वीडियो में हमने इस चैप्टर का काफ़ी कुछ पार्ट कवर कर रखा है, इस वीडियो में उसके आगे का देखते हैं। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते और न ना। हरिहर काका जो महंत जी जो कुछ भी बताते थे हरिहर काका को, उनकी बातों पर वो ना तो हाँ कहते थे और ना ही ना। ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही, क्योंकि उन्हें लगता था हरिहर काका को कि महंत जी की वजह से ही उनके भाई अब उनकी सेवा कर रहे, तो इसीलिए वे नहीं चाहते थे कि ना कहकर महंत जी को दुखी करे। और हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी, इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे। क्योंकि उन्हें तो किसी को भी हाँ कहना ही नहीं था कि मैं अपनी ज़मीन तुम्हें लिख के देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे अपनी लाइफ में जिन्होंने क्या किया था, अपनी ज़मीन दूसरों को लिख कर दी थी और वे लोग फिर उनकी देखभाल अच्छे से नहीं करते थे। तो इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे, इसलिए वो नहीं लिख कर दे रहे थे। पर बीते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा था महंत जी की चिंताएं भी बढ़ रही थी। अब क्यों बढ़ रही थी? देखो, जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। उनको लग रहा था कि हरिहर काका फंस ही गए थे उनकी बातों में और ज़मीन लिख कर देने वाले थे, लेकिन चली गई चिड़िया। इस टाइप से महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। अब उनको लगने लगा कि धर्म संकट में, एक तरफ उनको लगता है कि ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए और दूसरा मन उनका कहता है कि नहीं, अपने भाइयों को देना चाहिए। एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दो, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बन जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। तो ये सब बातों को सोचकर महंत जी के दिमाग में ये इतना खतरनाक आइडिया आता है। वो क्या करते हैं? अपहरण मतलब किडनैप करने का सोचते हैं हरिहर काका को, ठीक है, और ज़बरदस्ती उनसे साइन करवाना चाहते किसी पेपर्स पे जो ज़मीन के होंगे। और फिर साइन करने के बाद हरिहर काका तो स्वयं राजी हो जाएंगे। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। कैसे आदमी है महंत जी? लड़ाकू और दबंग मतलब लड़ाई करने वाले, दबंग मतलब एकदम से गुंडे टाइप्स, ठीक है। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। अब उनको तो लगा कि नहीं, किडनैप तो करना ही चाहिए, जी जान से लग गए इस बात के पीछे। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे। गोपनीयता मतलब किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि महंत जी ऐसा कुछ कर सकते। हरिहर काका के भाइयों को इसके भनक तक नहीं थी। बात अभी हाल की ही है। आधी रात के आसपास ठाकुर बारी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गंडासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आधम के। देखो, जो भी महंत जी के साइड से थे ना, उनके पक्षधर जैसे साधु संत हो गए और जो उनके साइड से थे, वो लोगों ने क्या किया? भाला, गंडासा, बंदूक लेकर हरिहर काका के दालान के पास आकर धमक गए, मतलब एकदम से वहाँ पे आके रुक गए। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित का अर्थ होता है आकस्मिक, अचानक से होने वाले हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाए, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लादकर चंपत हो गए। चंपत मतलब लेकर भाग गए। जो हरिहर काका के भाई थे उन्हें तो पता ही नहीं था ना कि ऐसा कुछ होगा, तो वो तैयार नहीं थे। जब तक वो लोगों को बुलाते, कुछ करते उनके अगेंस्ट, उसके पहले ही जो लोग वहाँ पे आए थे उन्होंने क्या किया? हरिहर काका को उठाया, अपनी पीठ पर लादा और वहाँ से निकल गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, न सुनी ही थी। सारा गांव जाग गया। शुभचिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। मतलब ऐसी घटना गांव में कभी नहीं हुई थी पहले हरिहर काका के साथ। ये मतलब उनके गांव की ये पहली केस थी ऐसा हुआ था। जो शुभचिंतक थे उन भाइयों के, वो उनके पास गए और बाकी के लोग तो अपने अपने घरों में थे और बातें कर रहे थे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। अब हरिहर काका के भाई ढूंढने निकल गए अपने लोगों के साथ और उनको लग भी रहा था कि यह जरूर महंत का काम हो सकता है।
वे मैं दल बल ठाकुरबारी जा पहुँचे। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबारी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सुनापन व्याप्त मिला, मतलब जैसे रोज रहता है वैसा ही माहौल था ठाकुरबारी का। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, तो ये सब देखकर उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे तो सब कुछ रोज के जैसा है, महंत नहीं कर सकते, बाहर के डाकुओं का है, वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। अब हरिहर काका के भाई को लगता था कि ये काम तो डाकू का हो सकता है, अब वो क्या करेंगे, किडनैप किया है तो बहुत ज़्यादा पैसे मांगेंगे और तभी हरिहर काका को छोड़ेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इस समय ठाकुर बारी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। अब लोग जैसे निकल पड़े थे दूसरी डायरेक्शन में, तो क्या होता है उसी समय ठाकुर बारी के अंदर से कोई बातचीत की धीमी, मतलब बहुत ही कम आवाज़ बाहर आती है। सबके कान खड़े हो गए। कान खड़े होना मतलब सबको, मतलब सभी ने कुछ ना कुछ सुना, ठीक है। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना, वे ठाकुर बारी का फाटक पिटने लगे। इसी समय अब उनके मतलब उन लोगों को पता तो चल गया था कि अंदर ही है हरिहर काका, तो वो पिटने लगे फाटक, फाटक मतलब गेट। ठाकुर बारी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे और अंदर से भी अटैक होने लगा बाहर के लोगों पर। वे तीतर बीतर होने लगे। अब क्योंकि अटैक हो रहा था तो लोग भागने भी लगे वहाँ से, अपने हथियार संभाले। लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बारी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। देखो अंदर से मतलब महंत जी के लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया था। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। जो भी हरिहर काका के भाई के साथ थे वो सब भाग गए, क्योंकि एक को तो गोली लग चुकी थी। सिर्फ वे तीनों भाई बचे रह गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जितना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा। उनको लगा कि हम तीन तो कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। तो उन्होंने सोचा कि चलो पुलिस की मदद लेते इसमें। इधर ठाकुर बारी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु साधे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। देखो ठाकुर बारी के भीतर मतलब अंदर महंत और उनके जो कुछ विश्वासु लोग थे ना, साधु साधे लोग जो थे, वो क्या कर रहे थे, कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे, क्योंकि साइन तो वो कर नहीं सकते, ठीक है, अंगूठे के निशान ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से ज़मीन में आ गए थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे, क्योंकि अब तक हरिहर काका महंत जी की रिस्पेक्ट कर रहे थे, है ना, कि उनको लगता था कि महंत जी की वजह से उनके लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आए थे, बट उन्होंने तो ये कुछ अलग ही रूप देख लिया था महंत जी का। अब उन्हें कैसा लग रहा था कि अब तक वो आसमान में थे और एकदम से ज़मीन पर आ पहुँचे हैं। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणिल, दुराचारी और पापी नज़र आने लगा था। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुरबारी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे। अब उनको समझ में आ गया था कि महंत जी कैसे हैं, तो उनके कंपैरिजन में उन्हें अपने भाई अच्छे लगने लगे थे। अब वो अपने घर जाने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे, क्योंकि महंत जी के लोगों ने उन्हें पकड़ के रखा था और महंत जी उन्हें समझा रहे थे तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया हरिहर, और उल्टा देखो क्या कर रहे थे, वो हरिहर काका को ही समझा रहे थे कि तुम्हारे भले के लिए है। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उसे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। और क्या बोलते कि अब तुम्हें लग रहा होगा कि हम लोगों ने जोर जबरदस्ती की तुम्हारे साथ, लेकिन बाद में समझ में आएगा कि इस धर्म संकट से निकालने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। एक और ठाकुर बारी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बारी आ पहुँचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बारी के फाटक पर
आवाज़ लगाई। अब पुलिस आ गए और उन्होंने आवाज़ लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। घेरा डालना मतलब घेर लिया पूरे ठाकुर बाड़ी को। ठाकुर बाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते। और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि ठाकुर बाड़ी बहुत बड़ी थी, है ना। लेकिन विशालकाय ठाकुर बाड़ी, विशालकाय मतलब बहुत बड़ी, ठाकुर बाड़ी को पुलिस के समेत जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। असमर्थ मतलब फेल हो गए थे। फिर भी जितना संभव हो सकता उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बाड़ी पहुँचेंगे तो ठाकुर बाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे। अब उनको लगा था भाइयों को कि जैसे पहले उन्होंने हमले किए, जब पुलिस आएंगे तब भी हमले करेंगे और पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने हमला ही नहीं किया अंदर से। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया, शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। उन्हें समझ में आया था कि पुलिस से बाहर। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुर बाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। वो बोलते ना जैसे पिक्चरों में देखा है कि अपने आप को सरेंडर कर दो, इस टाइप से तो पुलिस बोल रहे थे साधु संतों को। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फहर भी किए जा रहे थे, हवा में मतलब वो फायरिंग कर रहे थे, लेकिन ठाकुर बाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुर बाड़ी का फाटक खोल दिया। जब सुबह हुई तो एक वृद्ध साधु, ठीक है, वृद्ध साधु ने फाटक खोला मतलब गेट ओपन कर दी। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी, 80 साल से भी बड़ा था। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुँच हरिहर काका तथा ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अब इतना बुरा वो साधु था, लेकिन फिर भी उसने भी कुछ भी नहीं बताया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। वो आदमी जो था, आदमी नहीं साधु बोलेंगे उसे, ठीक है, तो वो क्या बोलता था, मुझे मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवा लेते हैं, लेकिन उस साधु की वय मतलब उनकी एज बहुत ज़्यादा थी ना, तो देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। अब महटिया का अर्थ होता है इग्नोर करना, ठीक है, नज़रअंदाज करके वहाँ से जाना पड़ा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुर बाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही। अब जो जवान थे पुलिस के, वो तो मतलब तलाशी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन उन्हें तो कुछ भी नहीं मिला। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बाड़ी में नहीं मिला। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घेर गए। ठाकुर बाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए, अब क्या होगा। काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। अब देखो उनके भाइयों ने क्या किया था कि पुलिस को लेकर आए थे, उनको लगने लगा था कि अब जो है साधु संत भी अरेस्ट हो जाएंगे और वह अपने भाई को घर ले जाएंगे। ठाकुर बाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी, बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी, चिटकनी मतलब जहाँ से नहीं क्या बंद कर देते दरवाज़ा, ठीक है, चिटकनी बंद थी, उन्हें भी खोल कर देखा गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वही एकत्र हो गए। देखो पुलिस और हरिहर काका के भाई सब लोग उस ताले वाले रूम के पास आ गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई, कुंजी मतलब उसकी कीज, ठीक है, तो उसने साफ कर दिया मेरे पास नहीं। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए। अब वो तो मतलब सोच रहे थे कि क्या करें इस ताले के साथ, कि अचानक उस कमरे के दरवाजे के भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया, क्योंकि हरिहर काका को पता चल गया होगा कि उनके साइड से कोई लोग आए हैं, ठीक है,
तो वो दरवाजे को धक्का दे रहे थे। पुलिस के जवान सावधान हो गए, ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। खून खौल उठना मतलब उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया था महंत जी का। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नज़र आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। देखो हरिहर काका के साथ उन्होंने क्या किया था। ये डोर है, ठीक है, और बाहर सभी लोग खड़े थे और अंदर हरिहर काका को ऐसे देखो उनके मुंह पर भी पट्टी बांध रखी है ना, और हाथ पांव दोनों बांध के रखे, इस कंडीशन में रखा था उन्होंने। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूस कर बांध दिया गया था। मुंह में कपड़ा क्यों ठूसा? क्योंकि अगर वो चिल्लाते हैं तो किसी को आवाज़ नहीं जानी चाहिए। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे। लुढ़कते हुए जब पैर वगैरह बांधे रहते तो चल नहीं सकते ना, तो उसे बोलते लुढ़कना। दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया, रस्सी से बांधा था तो वो निकाल दी गई, मुँह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुर बारी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई है, कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए, कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए आदि। ये सब कुछ हरिहर काका पुलिस वालों को बता रहे थे कि महंत जी और उनके साथियों ने क्या किया था हरिहर काका के साथ। देखो सादे और लिखे हुए कागजों पर दस्तखत करवाए थे उन्होंने, ठीक है। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए, मतलब अपने वो बता रहे थे कि उनके साथ क्या क्या हुआ। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बारी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा था। इतने बुरे थे महंत और साधु। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर छिपाकर, क्योंकि अब उन्हें डर था कि फिर से महंत ऐसा कर सकता है ना। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सुरमा थे सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे, 2400 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते, उनको मतलब पूरा प्रोटेक्शन दिया था। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते, भाइयों ने तो ड्यूटी बांट ली थी, आधे लोग सोते तो आधे लोग जाकर पहरा देते रहते। अब देखो कितनी अच्छी लाइफ बन गई है। इस ठाकुर बारी का दृश्य भी बदल गया था, एक से एक खूंखार लोग ठाकुर बारी में आ गए थे, उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुर बारी की ओर जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि महंत जी की काली करतूत तो सबके सामने आ गई थी, है ना। तो डर लग रहा था लोगों को अपने बच्चों को भी वहां भेजने से, और बच्चों को भी डर लग रहा था वहां जाने से। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही दो वर्गों में बट गया था। स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हरिहर काका के मैटर में दो ग्रुप बन गए थे, एक महंत जी का और एक उनके भाइयों का। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी, प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन, ठीक है। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे हरिहर काका। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं क्या है, बल्कि उनकी जायदाद है, अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। अगर जायदाद नहीं रहती तो वो पूछते भी नहीं हरिहर काका को। इस गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। हरिहर काका को अब सब नज़र आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है, बस अब हरिहर काका को पता चल गया था। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं है, निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं, है ना। छल बल कल, अब देखो कल का अर्थ होता है युक्ति बुद्धि, ठीक है। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते थे महंत और उनके साथी। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुर बारी को इन्होंने माध्यम बनाया है, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके,
इसीलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे। बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगे थे महंत जी से हरिहर काका। साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। दूध की मक्खी मतलब दूध में मक्खी गिरी, मक्खी को निकाल फेंकना दूध में से, है ना। सो लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। अब हरिहर काका को समझ में आ गया था कि ना तो महंत जी को देना है ना अपने भाइयों को, अगर मैं लिख के देता हूँ तो सब मुझे दूध की मक्खी समझ कर निकाल के फेंक देंगे और कोई पूछेगा भी नहीं, और बुढ़ापे में अकेले का दुख भी नहीं बिताए नहीं बीतेगा, ये भी डर था उन्हें। तो इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।